स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस बुक का पेज 74 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आर्टिकल्स पढ़ना है। आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एंड द, लेकिन यहाँ पर हम लोग द को अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ए और एन को पढ़ेंगे। ए का यूज़ कहाँ करते हैं और एन का यूज़ कहाँ करते हैं। We use A or N when we talk about one person, animal, place or thing. हम लोग A और N का use तब करते हैं जब हम लोग किसी एक person, किसी एक animal, किसी एक place या किसी एक thing के बारे में बात करते रहते हैं। We use A before the naming word स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट्स। हम लोग ए का यूज़ तब करते हैं जब कोई नेमिंग वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। कॉन्सोनेंट क्या होता है ये अभी हम बताएंगे। वी यूज़ एन बिफोर द नेमिंग वर्ड्स स्टार्टिंग विथ वोवेल्स। हम लोग एन तब लगाते हैं जब कोई नेमिंग वर्ड ए ई आई ओ यू वॉवेल से शुरू होता है। जब कोई नाम ए ई आई ओ यू से शुरू होता है तो हम लोग एन लगाते हैं, और नहीं तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। हम लोग 26 लेटर्स जो अल्फ़ाबेट में आते हैं उसमें से ये पांच को हटा देंगे तो बाकी सब कॉन्सोनेंट बन जाएंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स Using A or N. First one is done for you. यहाँ A होगा या N होगा ये भरना है अपने बुद्धि से, उसको यहाँ पर समझाया गया है। अगर यहाँ पे वॉवेल है, ये A वॉवेल है, यहाँ A वॉवेल बताया गया है, A वॉवेल है तो यहाँ A N N यूज करेंगे। ये fill in the blanks है, blanks को चाहे ए या एन भर करके पूरा करना है। फर्स्ट तो क्या हुआ है, सेकंड देखते हैं। एन ओनियन, यहाँ ओ है, ओ भी वॉवेल है इसलिए एन लगाएंगे। एन ओनियन, बॉय, ए बॉय, यहाँ ए इसलिए लिखे क्योंकि ये बी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। बी जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। वॉवेल्स सिर्फ पांच हैं, ए ई आई ओ यू। अब हम लोग ये नेक्स्ट देखते हैं। एग, ई जी जी एग, यहाँ ई वॉवेल है, ये नेम मिंग वर्ड वॉवेल से शुरू होता है इसलिए हम लोग इसके आगे एन लिखेंगे। यहाँ एक्स है, एक्स में ए वॉवेल है इसलिए यहाँ भी ए एन एन यूज करेंगे। यहाँ वैन है, वैन कॉन्सोनेंट है, वी कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ ए का यूज करेंगे। यहाँ बी कॉन्सोनेंट है बॉल में, बॉल चित्र से भी देख के समझ सकते हैं तो यहाँ पर ए लिखेंगे। ये एलिफेंट है, एलिफेंट का फर्स्ट लेटर वॉवेल है इसीलिए यहाँ ए एन एलिफेंट लिखेंगे। एंट, एंट ए वॉवेल है इसलिए यहाँ ए एन एन लिखेंगे। इस लाइन को
आप लोग खुद अपने बुद्धि से बनाइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पेज 75 में आ रहे हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग ए और एन। ये ए या एन लगा करके कंप्लीट करना है। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसको जिस तरह से ये बनाए थे उसी तरह से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ नेमिंग वर्ड थे, यहाँ सेंटेंस है। आई सॉ डैश एरोप्लेन इन द स्काई। आई सॉ एन एरोप्लेन। यहाँ पर एन इसलिए होगा क्योंकि इसके आगे का जो नेमिंग वर्ड है वो ए वॉवेल से शुरू है, ए ई आई ओ यू वॉवेल है। अगर वॉवेल से शुरू होता है तो हम लोग ए एन लगाएंगे। सेकेंड, ओ लेडी हैज ए कैट एन आउल ए काउ एंड एन एस। ओ लेडी हैज ए कैट एन आउल ए काउ एंड एन एस। थर्ड, माई फादर बाइज ए पेंसिल, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट था पी, इसके आगे वाला लेटर, इसलिए यहाँ ए लिखे। इरेजर, ये वॉवेल है इसलिए यहाँ ए एन होगा, एन इरेजर। एंड डैश शार्पनर फॉर मी, शार्पनर का एस कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ ए होगा, ए शार्पनर फॉर मी। देयर इज डैश मंकी, डैश टाइगर, डैश ऑस्ट्रिच, डैश एलिफेंट, डैश डियर एंड डैश एलिगेटर इन द जू। यहाँ पर देखते हैं, देयर इज ये कॉन्सोनेंट है इसलिए ए मंकी, टी कॉन्सोनेंट है इसलिए ए टाइगर, डैश के बाद ओ वॉवेल है इसलिए एन ऑस्ट्रिच, एलिफेंट एन एलिफेंट, ए डियर एंड एन एलिगेटर इन द जू। फिफ्थ, माय मदर ब्रिंग्स डैश एप्पल, डैश ऑरेंज, डैश बनाना, डैश वाटरमेलन एंड डैश आइसक्रीम फॉर मी। इसमें यहाँ पर वॉवेल रहेगा वहाँ पर ए एन एन लगाएंगे, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट रहेगा वहाँ ए लगाएंगे। माय मदर ब्रिंग्स एप्पल, डैश में क्या देंगे, एन ए एन एन। माय मदर ब्रिंग्स एन एप्पल एन ऑरेंज, एन ऑरेंज ए बनाना, ए वाटरमेलन, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है एंड आई ये वॉवेल है इसीलिए यहाँ ए एन लगाएंगे, एन आइसक्रीम फॉर मी। ये तो हो गया पेज 74 और पेज 75, आप लोग का होमवर्क है, ये बना करके भेजिएगा। थैंक यू।